एक बार 441 देखिए, थोड़ा सा मैं बार बार आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि पढ़ें कैसे, क्योंकि एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखिए कि अभी हमें 16 जून पर कंसंट्रेट करना है, 16 जून से अन्यथा कोई दिमाग नहीं लगाना। दूसरा कि जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है। अभी स्थिति यह है, मानो कि मैं भी एग्जाम दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग क्या है, आपका आपका टाइम टेबल हमने सेट किया हुआ है, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जैसे सर कह रहे हैं वैसे चलना है और वैसे ही हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से हम भी एग्जाम दे रहे हैं, इस दे नहीं रहे, मतलब एक तरह से क्या है, टाइम टेबल आपका शुरुआत होती है सुबह 8 बजे से, 9:30 तक हमने आपकी इंग्लिश लगा रखी है, तो वो इंग्लिश की क्लास 9:15 पे छूट जाए या 9:30, 9:30 से लेट के लिए मना किया हुआ है सर से, तो उससे लेट नहीं लेना है, 9:30 तक। कई स्टूडेंट आप में से इंग्लिश की क्लास में नहीं आते हैं, आपको इंग्लिश की क्लास में आना ही चाहिए, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश भी हो। इंग्लिश मीडियम वालों को भी वो लेवल पे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है ना। तो इंग्लिश की क्लास है, फिर आपकी 9:30 बजे से 1:30 बजे तक आपकी लॉ की क्लास है। लॉ की क्लास के संबंध में आपको ये समझना है कि जो कुछ भी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी को आपको पक्का करना है जो रिमेनिंग टाइम है आपके पास। कई बार आपके दिमाग में ये आता है कि थोड़ा हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ऐसा मत करिए, आप इसी को पक्का करिए। जैसे आज आपका आईपीसी कंप्लीट हो रहा है और कल कोई दूसरा शुरू हो रहा है, तो आईपीसी को पीछे रिवाइज करते रहिए। मतलब ये होना ही चाहिए कि आईपीसी में पूछे हुए किसी भी क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करके आएंगे, ऐसा हमारा संकल्प होना ही चाहिए, ठीक। फिर आपकी 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हिंदी की क्लास है, ठीक है। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आपका घर पहुंचना और आपका लंच, दोनों इतने ही समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो आप जानो कैसे करोगे, आपका घर पर पहुंचना और लंच, चाय की थड़ी पर टाइम पास करोगे ना तो कोई काम नहीं चलेगा। बैठना ही नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं निभानी है, दोस्ती 16 जून के बाद 17 तारीख मिलेगी दोस्ती के लिए, एक दिन के लिए, क्योंकि 80 या 80 प्लस स्कोर होता है तो हम नेक्स्ट डे से ही मेंस की इसी तरह की कोई स्ट्रेटेजी जो डिफरेंट टाइप से होगी उस पर काम कर रहे होंगे, और हमारे पास पर्याप्त समय है। आरजेएस बनने के लिए समय पर्याप्त है, समय कम नहीं है। फिर 3:30 बजे से 4 बजे तक योग निद्रा, कौन सी निद्रा, योग निद्रा, लेट गए थोड़े से कठोर स्थान पर, गद्दे पर नहीं आएगी, कठोर स्थान पर चटाई पे या दरी बिछा के ऐसे पड़ गए जैसे मानो के मर ही गए हैं, और उसका तरीका है आंखें बंद करके आप कह रहे हो अपने आप से कि मेरा पैरों से चलना है, अंगूठा शिथिल हो गया है, एक सजेशन अपने आप को देते जाना है मन मन में, अंगूठा शिथिल हो गया है मेरे, अब पैर शिथिल हो गया है, मेरी
जांगे शिथिल हो रही हैं, फिर ऊपर तक चलते जाना है, मेरा पेट शिथिल हो रहा है, ऐसे ऊपर तक जो जो जिन जिन अंगों का नाम लेते हुए और उन्हें शिथिल करते चले जाना है, और करते 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 पहुंच जाना है आंखों तक, मस्तिष्क तक, और बस इसमें हर हाल में आपको करीब करीब नींद आ जाएगी। इतना करते 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 मोबाइल कम से कम स्विच ऑफ होना चाहिए, मोबाइल किसी भी कंडीशन में ऑन नहीं होना चाहिए, और ये करके ये कर लिया हमने, और 4 बजे से 9 बजे तक, 8:45 तक आपको फास्ट स्टडी करनी है। अब आप कहोगे कि सब इतना हम कर पाएंगे या मेहनत, इस जवानी में भी नहीं कर पाओगे तो कब कर पाओगे? आप जानते नहीं आप मेहनत के लिए परमात्मा ने कितनी क्षमता दी है, बहुत क्षमता दी है, बहुत विल पावर दी है। जितने फोटो लग रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब लोग इसलिए फोटो लगे हुए इनके कि ये इनकी विल पावर बहुत अच्छी थी, और जो भी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराता है उसके पास एक शानदार विल पावर होती है, इसीलिए वो दर्ज कराता है, अन्यथा तो नाम दर्ज कराने लायक नहीं होता व्यक्ति। आप अपने क्षेत्र में, समाज में अपना नाम रोशन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास विल पावर है तो ही करोगे, नहीं तो नहीं कर पा रहे। सामान्य इंसान की तरह जियोगे, सामान्य इंसान की तरह करोड़ों लोग जी रहे हैं, लाखों में एक होता है जो इस तरह कुछ कर पाता है। तो ये तुम्हारा विल पावर के ऊपर है, थकान कुछ दिन होगी, ठीक है, फिर हमें 9 बजे से पेपर को ऐसे देना है मानो कि हम आरजेएस का ही पेपर दे रहे हैं, 9 बजे से 10 बजे तक। और कहां जाना है? राजस्थली .org.in उस पर चले जाओगे, उस पर पेपर पढ़ा हुआ मिलेगा आपको। और पेपर कहां से आएगा? जो आज पढ़ाया गया है, इनको भी कहा गया है केवल आप वहीं से क्वेश्चन बनाएं जो आज आपने पढ़ाया था, केवल यहां भी लॉ में हम वही बना रहे हैं जो आज पढ़ाया था। अब जैसे कल थोड़ा सा, आज में थोड़ा सा ऐसा एरिया है जैसे लूंगा थोड़ा छूट रहा है, अन्यथा तो बाकी तो आज जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये भी हिंदी वाले भी वही करेंगे। तो क्या हुआ, आज का हमने इतना बड़ा पार्ट पढ़ा उसका हमने पक्का कर लिया। फिर 10:30 से 10:30 तक मैं आपके साथ ऑनलाइन रहूंगा। मैं कुछ क्वेश्चंस पे आपको डिस्कस करूंगा रात को के इतने बजे के लाइव आऊंगा आप लोगों के साथ। सिर्फ वही स्टूडेंट जो जिन्होंने पेपर दिया उन्हीं के साथ संपर्क करेंगे, उनमें कुछ चीजें ऐसी होंगी, कोई क्वेश्चन होंगे, उन्हें डिस्कस कर लेंगे जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आधा घंटा, और 10:30 बजे आप सो जाएंगे, और 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक आपका सोने का टाइम है, और 4 बजे से 6 बजे तक पुनः आपको पढ़ने का टाइम है, और 6 बजे से 8 बजे तक आपको यहाँ के लिए तैयार होना। और ये आपका टाइम टेबल है डेली का, और इस टाइम टेबल में कोई चेंज नहीं करना है, टाइम टेबल में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये फॉलो करना है किसी भी कंडीशन में। आप चाहते हो कि मैं इसी साल का प्री पास कर लूं तो, क्योंकि ये 222 सीटें अब आपके सामने कभी भी आने वाली नहीं है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से बाद में जो टाइम आया उसमें सीट्स उन पर एग्जाम नहीं हुआ, उनके रुके हुए सीट्स हैं, वो आपके जीवन में अब आगे कभी भी नहीं आएंगी। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी शक्ति से चाहो तो इनको कर लो, किसी कृपा के कारण नहीं, आपकी विल पावर, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी और आपको शानदार गाइडेंस के आधार पर ही पाई जा सकती है, अन्यथा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये मेरी गारंटी है, सेल्फ स्टडी करके ये कंप्लीट ही नहीं होगा। जितने सेक्शंस को अभी आपने देखा आईपीसी को, जिस हिसाब से इतना फास्ट हो गई, वो आपसे होती नहीं किसी भी कंडीशन में। और भी सब्जेक्ट्स के साथ यही होगा, आपको लगे हम पढ़ रहे हैं,
और एक फ्रस्ट्रेशन, जितना नजदीक एग्जाम आता जाएगा एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, अरे यार इतना सिलेबस पढ़ा है मेरे तो ये भी नहीं हुआ, मैं तो सब भूल रहा हूँ। एक स्टूडेंट कहते हुए मिलेंगे, मैं तो सारा भूल रहा हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, ऐसी ऐसी स्थिति पैदा होगी उनकी। तो वो आपकी स्थिति ऐसी पैदा ना हो, उसका एक ही तरीका है। और साथ साथ मैंने आपसे कहा था छोटी वाली डायरीज बना लीजिए, शॉर्ट नोट बहुत जरूरी है, जो 11 तारीख 12 13 14 15 जून 5 दिन हमारे पास जो होंगे, वी शैल रिवाइज अगेन एंड अगेन आवर डायरीज ओनली, तैयारी हो चुकी है, या वी शैल रिवाइज अवर हाइलाइटेड पोर्शंस। तो मैंने पहले प्लान कर रखा 11 तारीख का क्या करना है, 12 को क्या करना है, 13 14 15 हमारे पास टाइम आवर्स में है, नॉट इन मंथ्स, मंथ्स में हमारे पास कोई समय नहीं है, घंटों में है। तो घंटों में डिवाइडेड समय का उपयोग आपको, चूंकि मैं आपका कोच हूं आप खिलाड़ी हैं, तो आपको मेरे अनुसार चलना है, अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी है, और ना आपके पास है वो उसके लिए कॉम्पिटिशन के लिए वो ऐसी बुद्धि, मेरे पास है ना, मैं कर रहा हूं ना इतने लंबे समय से, तो आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं, मैं कह रहा हूं वैसे करना है, 100% वैसे करोगे तो होगा, नहीं होने का कोई कारण ही नहीं बचता।